पुलिस ग्राउंड सोलन में होने वाली CWE द खली रिटर्न्स रेसलिंग शो मंडी की तर्ज पर फ्री कर दिया गया है। पुलिस मैदान में शुक्रवार को आयोजित पत्रकार वार्ता में द ग्रेट खली ने कहा कि वे सिरमौर में जन्मे हैं और सोलन से सिरमौर का गहरा नाता है। इसको देखते हुए वे मंडी की तरह सोलन के शो को भी फ्री कर रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग रेसलिंग का आनंद उठा सकें। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे प्रदेश में होने वाले इस तरह के शो को देखने के लिए पहुंचें और रेसलर्स का उत्साह बढ़ाएं। खली ने प्रशासन से भी अपील की कि वे ध्यान रखें कि शो देखने आने वाले दर्शकों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। बिल्कुल पास है सिरमौर और सोलन और शिमला में, बिल्कुल घर के पास है और मैं सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि सब लोग आए और ग्रेट खली का और ग्रेट खली के जो और रेसलर है सीडब्ल्यू के सुपरस्टार है हिंदुस्तान के सुपरस्टार है उनका एक हौसला बढ़ाए। इस अवसर पर मौजूद प्रदेश के खेल व वन मंत्री गोविंद ठाकुर ने कहा कि यह प्रदेश का सौभाग्य है कि दलीप सिंह राणा उर्फ खली ने यहां पर जन्म लिया और अब वे प्रदेश के लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं जो काबिले तारीफ है। उन्होंने अपनी ऐच्छिक निधि से इस इवेंट के लिए 5 लाख रुपए देने की घोषणा की। खेल मंत्री ने कहा कि खली द्वारा हिमाचल में खेल अकादमी खोले जाने को लेकर सरकार सकारात्मक है और उनकी पसंद व भूमि की उपलब्धता होने पर सरकार उन्हें अकादमी के लिए भूमि अवश्य देगी। 20 या 25 के लगभग भारत के अपने रेसलर जो द ग्रेट खली की एकेडमी में रेसलिंग सीख रहे हैं वो सभी अपने कर्तव्य दिखा रहे हैं और स्वयं द ग्रेट खली ही, यानी हम सबका निवेदन यह है कि दुनिया तो द ग्रेट खली को देखने के लिए आनी और आपकी ही रेसलिंग देखने के लिए आएगी। जैसा आप सबको लगता है इसमें द ग्रेट खली को तो निश्चित रूप से निवेदन करेंगे कि ये पक्का रेसलिंग करें। इसी दौरान सोलन के माल रोड पर खली ने रोड शो भी किया। हलो, हलो। अगर किसी को भी आप लोग कोई दिक्कत होगी हो सकता है पूरी प्रशासन। इस रोड शो के कारण लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। एक एम्बुलेंस भी जाम में फंस गई थी। दिव्य हिमाचल वेब टीवी के लिए सोलन से जय ठाकुर के साथ मोहिनी सूद और सौरभ शर्मा की रिपोर्ट।